तो कुछ भी नहीं, ये वो लोग देखें वो भाई, ये वो लोग हैं जो बावर्दी कांस्टेबल को देख के जिनकी टांगें कांपनी थी, ये आईजी और आर्मी चीफ ये अपॉइंट करने लगे। इनसे खैर की तवक्को रखनी चाहिए नहीं थी। एनीवे हम बात करें, मलाइन करने की कोशिश तो करते रहे कोशिश, एक आम आदमी पे उसका कोई असर नहीं होगा, कुछ भी नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं ना, अच्छा चौथा फैक्टर डाल लो, बहुत अच्छा खूबसूरत आपने आपने इजाफा कर दिया बात में। बयानिया ने कहा बड़ा तो ठीक, सिंपथी आ गई जी, बड़ी सिंपथी आ गई जी। अच्छा टीवी अंदर दे, प्यो भी अंदर दे, पुत्र मफरूट सारे, परफॉर्मेंस इनकी बड़ी जबरदस्त है जी। हैं, ये गौरजिला की लाश पड़ी पूरे लाहौर शहर में, ये जो आ रही ट्रेन है। चौथा फैक्टर आपने ऐड किया, थैंक यू वेरी मच, बड़ा मलाइन कर लिया भाई तुमने। टोटल क्या जिल्लत, डूब मरने का मुकाम है। इसका ख्याल था कि पता नहीं पूरा शहर बाहर आ जाएगा। बात सुनो, 35 लाख कितनी आबादी थी, बेनजीर भुट्टो आई है 86 में, अब मैं 1,15,00,000 को लगभग, फिगर्स को माफ कर देना अगर गलत हो तो करेक्ट। ओ भाई, पुराने एयरपोर्ट से लेके वो दादा दरबार तक, सही मानो मुझसे वो मुहावरा है, दिल धरने की जगह नहीं है, वाकई नहीं थी। क्या है ये, 30 मई आने वाला मजलूम अब्बा, ये पाकिस्तानियों को थोड़ा सा शऊर, पाकिस्तानियों का शऊर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। सैलाब में नहीं होता खतरे का निशान कि पानी यहां तक आ गया, खतरा पाकिस्तानियों का शऊर खतरे के निशान तक आ गया, जरा और बढ़ गया, ये यहां रह नहीं सकेंगे। तो इन पे मक्का मदीना जैसी जगह जहां जाके ना बंदे के हवास ही कायम नहीं होते। मैं कई बार गया हूं, 2-4-10 बार नहीं, बेशुमार बार, बंदा अपने आप में नहीं रहता, गुमसुम सा होता है आदमी को, होश होश नहीं होती। आप मक्का मुकरमा में हो, मदीना मुनव्वरा में हो, तो पता नहीं क्या और क्या कैफियत होती है। उसमें भी लोगों को इतना होश था कि ये चोर हैं, डाकू हैं, चोर हैं, इंग्लैंड में रह नहीं सकते लोग, मुंह पर क्या जिंदगी है इन लोगों की, कोई सारा कुछ करने के बाद ये बयानिए भी गए, ये हमदर्दी भी गई भाड़ में, परफॉर्मेंस भी गई भाड़ में, मलाइन करने की कोशिश। बहुत खूबसूरत बात आपने ऐड की, चौथा फैक्टर वो भी नहीं बिका, उससे भी कुछ इनका कुछ नहीं बिक रहा। अब ये खुद बिकेंगे।